सो हेलो इंडियन ओटाकूज, आई मीन डाई हार्ड फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सो वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ एनमे रिविजिट। तो आज हम जिस एनमे की बात करने वाले हैं वो है बैक, जो कि साल 2004 में आई थी। इस आईएमडीबी और माय एनिमेशन की तरफ से 8.3 की रेटिंग मिली है और ये एक स्टोरियन स्लाइस ऑफ लाइफ म्यूजिकल एनमे है। एंड गाइज, दिस एनमे इज डैम अंडररेटेड। जब मैं ये एनमे देखा था ना गाइज, मैं लिटरली इस एनमे को गालियाँ दे रहा था। इतना रियलिस्टिक, इतना मत दिखाओ ब्रो, ये बच्चे कैसे देखेंगे ये एनमे जिन्हें कैची एनमेस पसंद है। कितनी मुश्किल से इन्होंने मॉन्स्टर, एर्गो प्रॉक्सी जैसे एनमेस देखे होंगे। ऐसा मत करो यार, जल्दी से कैरेक्टर को रिकॉग्निशन दो। बट नहीं गाइज, इन्होंने पूरा स्ट्रगल दिखाया, कैसे नेपोटिज्म होता है, कैसे गाने नहीं बिकते, कैसे लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब उन्हें जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं इसे छोड़ दूँ या इसी में मैं कंटिन्यू करूँ। माई गुडनेस, क्या ही बोलूँ आपको। अगर आपको रियलिस्टिक अप्रोच वाले एनिमेस पसंद है तो इस एनिमे को ट्राई करना, वरना कैची एनिमेस वाले बंदे आएंगे, दो तीन एपिसोड देखेंगे और बोलेंगे मज़ा नहीं आया, आई एम ड्रॉपिंग इट। उनके लिए आप क्या ही कर सकते हैं। वेन यू विल सी दिस एनिमे यू विल गेट एंग्री, यू विल गेट पिस्ड ऑफ, समटाइम्स यू विल फील लाइक अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, एंड समटाइम्स यू विल बी लाइक अच्छा हुआ, यही होना चाहिए तेरे साथ, इट्स कॉल्ड कर्मा। You will have various type of emotions while watching it, and the selling point of this anime goes to the realistic approach and the music of this anime. And guys, I was literally shocked जब मैंने देखा कि YouTube में इस anime का एक review नहीं पड़ा है हिंदी में। So this defines how underrated this anime is, and I may be the first one to do so in Hindi. So let's move on and talk about the plot. ये कहानी रिवॉल्व करती है कोयुकी के अराउंड, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। ही इज 14 इयर्स ओल्ड एंड नोबडी पेज अटेंशन टू हिम। अगर कोयुकी के बारे में हम और विस्तार में बात करें, देन ही इज समवन जिसके साथ इजीली रैगिंग हो सकती है। आई मीन एनीबॉडी कैन बुली हिम, ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। एक दिन जब वो घर लौट रहा होता है, उसे एक अजीब कुत्ता दिखाई देता है जिससे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, और ये देख कोयुकी उन बच्चों को भगा देता है। उस कुत्ते का नाम था बैक, और उसी के वजह से कोयुकी रोस्के से मिलता है, जो कि एक टैलेंटेड गिटारिस्ट है और साथ ही बैक का मालिक भी। रेगुलर इंटरवल्स पर कोयुकी की मुलाकात रोस्के से होती रहती है, जिसके कारण रोस्के उसे अपने एक शो पर बुला लेता है जिसे एक स्काउट भी देखने आया था। पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के कारण वो स्काउट वहाँ से चला जाता है, और रोस्के और उस बैंड के लीडर के बीच एक आर्गुमेंट हो जाती है और वो बैंड पूरी तरह से बिखर जाती है। और उन दोनों में एक चैलेंज लग जाता है गाइस, कि मैं सबसे अच्छा बैंड बनाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। लेटर ऑन कोयुकी रोस्के की बहन माहो से मिलता है, और रोस्के उन दोनों को अकेला छोड़ देता है और वो नए नए मेम्बर्स ढूंढने निकल पड़ता है। और साथ ही कोयुकी को एक गिटार भी वो दे देता है जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके। एंड दिस इज हाउ द एनिमे बिगिंस। Now let's talk about the songs and music of this anime. The opening and ending are really great. In fact, the ending song is a song performed by Dying Breed, which is referred as a famous band in America in this anime. इन दोनों को छोड़ के और भी कई सारे गाने हैं जो कि आप सुन सकते हैं, but my favorites are Spice of Life and Face. आप भी सुनना, आपको भी अच्छा लगेगा। Now let's talk about the negative points. जो चीज़ मुझे इस एनिमे की सबसे बुरी लगी वो है इन्होंने जिस तरह से इसको एंड किया। इट वॉज लाइक भाई भाई, इसका एक ही सीजन है और कोई सीजन नहीं आने वाला, इसलिए हम खत्म करें भाई इस एनिमे को। जबकि गाइज, अगर आप मांगा पढ़ोगे ना गाइज, इसके 60-70 पेजेस बचे हुए हैं गाइज अडेप्टेशन होने के लिए। तो अगर आपको ये एनिमे पसंद आए तो आप मांगा भी पढ़ सकते हैं। इस एनिमे में टोटल 26 एपिसोड्स हैं, जो कि आपको इंग्लिश डब में देखने को मिल जाएंगे। तो होप सो गाइस कि आपको ये एनिमे पसंद आए, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।